கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நடோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னு மகா ஸ்ரீமதே ஸ்ரீலக்ஷ்மீந்திர சிம்ஹ திவ்ய பாதுகா சேவக ஸ்ரீவன்ஷ்டகோப ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன்ஷ்டகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணார்ய மகாதேசிகாய நமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சாரநாதார்ய மகாதேசிகாய நமஹ கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் குஷ்பதீகிருதவாராஷிம் மஷகீகிருதராட்சசம் ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்தே நிலாத்மஜம் அஞ்சனானந்தனம் வீரம் ஜானகி சோகநாசனம் கபீஷம் அக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம் யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்ர தத்ர கிருத மஸ்தகாஞ்சலிம் பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருதிம் நமதராட்சசாந்தகம் வைதேஹீ சஹிதம் சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்யே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அக்ரே வாசயதி பிரபஞ்சனசுதே தத்வம் முனிப்யப் பரம் வியாக்யாந்தம் பரதாதிவிஹி பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஷ்யாமளம் பிதாமஹஸ்யாபி பிதாமஹாய பிராச்சேதசாதேஷஃபலப்ரதாய ஸ்ரீபாஷ்யகாரோத்தமதேசிகாய ஸ்ரீசைலபூர்ணாய நமோ நமஸ்தாத். நமஸ்ஸபாயி. ஆஜ் கே தின் ஸ்ரீ ராமாயண கதா கா தூசரா தின் ஹை. ஸ்ரீ ராம் சரித்ர ஐசே ஷீர்ஷக் கே சாத் இஸ் உபன்யாஸ் கா ஷுருவாத் கல் ஹுவா தா. கல் ஹம்னே யே தேகா தா கி ராமாயண கதா கே ரச்சயிதா வால்மீகி மஹரிஷி கேசே உத்பன்ன ஹுவே, ரத்னாகர் நாம் கா டாக்கூ கேசே வால்மீகி நாம் கே மஹரிஷி மே பதல் கே, இஸ்கா ஹம்னே கல் கதா சுனா. और ये देखा कि रामायण कथा सुनते समय हमें किस तरह से भगवान का ध्यान करना चाहिए. अब इसी ध्यान के साथ आज हम रामायण कथा में प्रवेश करते हैं. रामायण कथा जो है वो कहते हैं कि हमें दिल में बसाना चाहिए. कैसे दिल में बसाना चाहिए? उसको एक नदी के रूप में हमें अपने दिल में बहाना चाहिए. किस नदी के रूप में ऐसा पूछा जाए तो कहते हैं तुलसीदास जी कि मंदाकिनी नदी जैसे बहना चाहिए रामायण कथा अपने मन के अंदर. इतना हमने उसके बारे में सोचते रहना है कि वो बस जो सोच की धारा है वो चलती रहे मंदाकिनी नदी की तरह. और मंदाकिनी नदी कहाँ पाई जाती है? चित्रकूट पर्वत के पास पाई जाती है. तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपना चित्त है, वो चित्त जो बोलते हैं, जो हार्ट के बारे में हम सोचते हैं, तो वो ऐसे रहता है, एक उल्टे पर्वत की तरह रहता है. तो समझो कि वही चित्रकूट पर्वत है और उसके अंदर बहने वाली जो नदी है वो राम कथा है. और इस चित्रकूट में, मन के इस चित्रकूट में, चित्त के इस चित्रकूट में, मंदाकिनी नदी जैसे राम कथा के बाजू में हमने हमेशा सीताराम को बसाना चाहिए दिल में. राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुबीर बिहारु. अगर स्नेह से इस तरह से हमने बसाया अपने मन के अंदर राम कथा को, तो कहते हैं कि सीताराम हमारे दिल में विहार करेंगे. उनका जो ध्यान है वो हमारे अंदर भरा हुआ रहेगा. तो हमेशा राम कथा को याद करें. राम कथा क्यों हुई? रामायण नाम का जो कथा है उसका मूल कारण क्या है? अगर ये देखा जाए तो ये कथा क्षीराब्धि के पास जाता है, क्षीर समुद्र के पास जाता है. कहते हैं कि एक समय में राक्षसों का अट्टहास बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही वे लोग सताने लगे दुनिया वालों को.
ऋषि मुनियों को याग यज्ञ नहीं करने देते थे और कोई भी धर्म का काम नहीं हो पा रहा था। ये रावण जो हम जानते हैं, जो प्रसिद्ध है, उसका नाना माल्यवान माली जैसे नानाएं थे उसके, वे राक्षस लोग बहुत ही बलशाली हो गए और बहुत हाहाकार मचाने लगे दुनिया में। इसलिए सारे देवतागण बहुत त्रस्त हो गए और वे गए ब्रह्मा जी के पास, अपना ये परेशानी लेकर चले गए और पूछा कि क्या कर सकते हैं अभी, इन राक्षसों को कैसे भगाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे एकमात्र विधाता नारायण के पास जाते हैं और पूछते हैं उनसे क्या करने का ये बात। तो वे लोग चले गए क्षीर समुद्र में, जहाँ पे नारायण जी का भेंट इन लोगों से हुआ, ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं से हुआ। और नारायण जी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि धर्म की स्थापना करना मेरा कर्तव्य है और इसी धर्म स्थापना के लिए अवतारों का लेना मेरे लिए स्वाभाविक हो गया है। अभी अवतार जो कहते हैं वो क्या होता है? अवतार का मतलब है एक ऊंचे स्थान से उतरकर नीचे आना, अवतरण करना, उसको अवतार बोलते हैं। तो भगवान विष्णु जो है वो परम पद में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, तो वे उतरकर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो उसको अवतार कहते हैं। और किसी भी अवतार का प्रयोजन क्या होता है, कारण क्या होता है? धर्म की स्थापना करना। और इस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को दो काम करने पड़ते हैं। एक होता है साधुओं का संरक्षण करना, साधु परित्राण करना, और दूसरा होता है दुष्टों का निग्रह करना, दुष्टों का विनाश करना। तो साधु परित्राण और दुष्ट निग्रह से धर्म की स्थापना होती है। यही कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार करने की संभावना रखता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, और उस धर्म स्थापना के लिए मैं साधुओं का परित्राण करता हूँ और दुष्टों का विनाश भी करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृतम। इसका मतलब ये है कि दुष्टों का विनाश उनको करना पड़ता है, वे इच्छा से नहीं करते। किसी का विनाश करना भगवान का स्वभाव नहीं होता, करना नहीं चाहते वो किसी का विनाश, लेकिन कभी अच्छे लोगों को बचाने के लिए, अच्छाई को रक्षण करने के लिए उन्हें करना पड़ता है ऐसा काम। तो मैं रक्षण करते समय विनाश भी करता हूँ करके वो आनुषंगिक रूप में उसको रख कर कहते हैं। तो भगवान श्री राम भी यही कह रहे हैं, भगवान नारायण भी यही कह रहे हैं। अभी एक क्षीर समुद्र में जो लेटे हुए नारायण हैं आदिशेष पर, वे अभी बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी से और बोल रहे हैं कि आप लोगों की ये दुर्दशा दूर करने के लिए मैं अवतार ज़रूर करूँगा, क्योंकि अधर्म फैला हुआ है और धर्म की स्थापना करना है। आप लोग साधु हैं तो आपका परित्राण करना है और उसी के लिए मुझे राक्षसों का विनाश करना पड़ेगा। तो आप लोग चिंता मत करो, भयम् त्यजत भद्रम् वो हितार्थम् युधि रावणम् सपुत्र पौत्रम् सामात्यम् सन्मन्त्रि ज्ञात बांधवम्। आप लोग चिंता मत करो, भय को त्याग दो, भयम् त्यजत, यही भगवान की बहुत सुंदर लीला होती है। पहले वो हमें निर्भय करा देते, हमारा जो भय है उसको दूर करना बहुत जरूरी होता है। ये जो मन है बड़ा डरपोक रहता है, तो उसको पहले निडर बनाना चाहिए। अगर डर रहेगा तो उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पहले उस डर को मिटाना है, अंधकार को दूर करना है, फिर रोशनी अपने आप आ जाती। तो पहले भगवान ने कहा भयम त्यजत, यही वे कहते हैं, माँ शुचा कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूँ, कह रहे हैं भगवान हमारे सामने भी। तो वही कहा उस लेटे हुए भगवान ने भी उस दिन, भयम त्यजत, छोड़ दो अपना भय। अगर भय छोड़ा तो बाद में क्या आता है? भद्रम मंगलम आता है, जो अच्छाई है, मंगलमयी जो स्थिति है वो आ जाएगी। तुम लोग भय को त्याग दोगे तो
भय को त्याग दो क्योंकि मैं आने वाला हूँ, अवतार करने वाला हूँ, और ये जो माली लोगों का संतान जो आने वाली है रावण के रूप में, उसका मैं वध करने वाला। और इतना ही नहीं, उसका वध करना तो अभी कैसा है, विनाशाय च दुष्कृताम कहा। वध करना एक बात है, लेकिन उसके लिए मेरा अवतार नहीं है। उसके बाद भी मैं बहुत दिन रहूंगा, दशवर्ष सहस्राणी दशवर्ष शतानी च, 11,000 साल मैं इस पृथ्वी पर रहकर राज शासन चलाऊंगा, और धर्म को कैसे पाला जाए इसका मैं उदाहरण बन के रहूंगा। धर्म का पालन कैसे किया जाता है मनुष्य होकर, यह मैं दिखाकर रहूंगा इस दुनिया को। ऐसा कहकर भगवान ने देवताओं को शांत किया। अब इसके लिए उनको पृथ्वी पर कुछ काम करना चाहिए ताकि उनका अवतार हो जाए। तो पृथ्वी पर इस वक्त चल क्या रही थी ये देखते हैं। कहते हैं कि अयोध्या नाम के नगरी में दशरथ नाम के महाराज रहते थे, बड़े ही चक्रवर्ती महाराज जाने जाते थे। कहते हैं कि सारे राजा लोग जो थे वे इनके अधीन थे, और ऐसे अधीन नहीं थे कि डर के मारे वे इनके दास हो गए। दशरथ जी ने अपनी वीरता दिखाकर और अपना प्रेम दिखाकर सारे राजाओं को अपना मित्र बनाया, और ये मित्र राजा लोग इनके दास बन गए। इस तरह से दास बन गए कि कहते हैं वे हमेशा नतमस्तक होकर दशरथ जी को प्रणाम करते थे, और जैसे वे प्रणाम करते थे उनके मुकुट में फूल हुआ करते थे, तो वो फूल दशरथ जी के चरणों में आ जाते थे। और कहते हैं कि दशरथ जी का चरण जो था वो पंकज की तरह था, कमल फूल की तरह था। तो इन राजाओं के सर के बीच का जो फूल था वो कमल फूल जैसे लगता था, ऐसा एक अनुभव करते हैं आशुकवि सार्वभौम श्रीनिधि स्वामी जी। ये श्रीनिधि स्वामी जी जो हैं वे बड़े कमाल के आचार्य थे, हमारे प्राचार्य श्रीनिधि स्वामी जी, हमारे आचार्य के आचार्य। उन्होंने एक मंजू रामायण नाम का अद्भुत ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर कविता रूपी रामायण है जिसमें ऐसे अनेक अद्भुत ख्याल आते हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जो राजा लोग थे जो दशरथ के दास बन के फिरते थे, उनके मुकुट का कमल दशरथ जी का पद पंकज था। कहते हैं आसीद शेषा वनिपाल मौली माला परिष्कार कपाद पद्मा आनंदिता खंडल चित्त वृत्ति ही राजा पुरा पंक्ति रथाभिधाना। अभी जो हमने कहा उसका अर्थ वाला ये श्लोक था। तो इस तरह से राजा दशरथ पूरे भारतवर्ष पर राज चला रहे थे, और सारे ही राजा लोग उनके मित्र थे। लेकिन उनके मित्रों में से एक खास मित्र था उनका, जिनका नाम था रोमपाल। अब खास मित्र बोले तो कितना खास मित्र है, तो मित्र का क्या डेफिनेशन होता है। मित्र वो होता है जो हमारे साथ सब कुछ बांट सकता है, हम हमारा सब कुछ उसके साथ बांट सकते हैं। दशरथ जी ने क्या बांटा इस मित्र के साथ, अपने बेटी को बांटा। बोलते हैं कि दशरथ जी की एक बेटी थी शांता नाम की, और उस बेटी को इन्होंने स्वीकार में रोमपाद जी को दे दिया, क्योंकि रोमपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो। दशरथ जी का भी तब तक कोई संतान नहीं था सिवाय इस बेटी की, फिर भी इस मित्र के खातिर उन्होंने उस शांता नाम की लड़की को स्वीकार में दे दिया उनको। तो उस रोमपाद की बेटी बनकर ये शांता जी अब बढ़ रही थी। इस वक्त क्या हुआ कि रोमपाद जी के राज्य में एकदम बिना बारिश की परिस्थिति आ गई, ड्रॉट जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसे, सूखापन, हाँ अकाल, हाँ अकाल आ गया। तो उस अकाल को भगाने के लिए क्या किया जाए ये पूछने के लिए पंडित लोगों को बुलाया। तो पंडित लोगों ने कहा कि ये तो साधारण सा अकाल नहीं है, इसको दूर करने के लिए किसी खास व्यक्ति को इधर लाना पड़ेगा, और वो खास व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि उसने एकदम कठोर ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ऐसा एक ब्रह्मचारी था उस काल में, वो ब्रह्मचारी था ऋष्यशृंग नाम का ऋषि पुत्र, एक ऋषि थे जिनका नाम विबंधक था, और उन्होंने अपने पुत्र ऋष्यशृंग को इस तरह से पाला
कि कभी उनका पाला किसी औरत से पढ़ा ही नहीं था। बचपन से लेकर युवा तक उन्होंने किसी और किसी लड़की को देखा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ ऋषि मुनियों को देखा था और उनको सिर्फ तप करना आता था। तो पंडित लोगों ने रोमपाद को ये विचार सुझाया कि अगर ऋषि श्रृंग को आपके राज्य के अंदर कदम रखने को कहा जाए तो बारिश फूट कर गिरेगी। तो बड़े ही मुश्किल से रोमपाद ने किसी तरह से उनको अपने राज्य के अंदर बुलाया और जैसे ही वे आए बारिश आ गई और पूरा अकाल दूर हो गया। रोमपाद जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और उनको लगा कि ऐसे महान व्यक्ति को हमेशा टिका कर रखना चाहिए अपने राज्य में। तो क्या करना है, उन्होंने ऐसा उपाय सोचा और किया भी कि अपने इस बेटी को शांता को ऋषि श्रृंग मुनि का पत्नी बना दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि इनको पत्नी रूप में स्वीकार करें और उन्होंने कृपा से उसको अपना भी लिया और ऋषि श्रृंग और शांता जी की शादी हो गई। अब इतनी बड़ी कहानी रामायण में कहाँ से आई और क्यों आई, बात यह है कि दशरथ जी को इसके बाद बहुत साल तक फिर से संतान ही नहीं हुआ और फिर उनको उनके पुरोहित वशिष्ठ जी ने ये कहा कि अगर ये ऋषि श्रृंग जी को बुलाकर आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति होगी। अब हमें ये सोचना है कि अगर ये ऋषि श्रृंग जी उसी वन में बिना किसी औरत को देखे हुए रह गए होते तो क्या आज दशरथ जी के पास वो आ पाते, मुश्किल होता ना। अभी ऋषि श्रृंग जी दशरथ जी के दामाद हो गए तो उनको बुलाना भी आसान हो गया और उनको बुलाने के लिए सुझाव भी बहुत आसानी से दिया जा सकता था। नहीं तो अगर वो वन के किसी कोने में ठहर जाते तो फिर ये काम हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा होता है कि भगवान जब कुछ करते हैं तो कुछ रख के करते हैं मन में, उनका मन हम पढ़ नहीं पाते और कभी बिना समझे हम रोते रहते हैं कि क्यों चल रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों, ऐसा हम पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, लेकिन ऐसा पूछना नहीं चाहिए। उनका जो गणित है वो अलग होता है, जो हमारे समझ के बाहर होता है, लेकिन हमेशा अच्छाई के लिए होता है, जैसे इसमें हो गया। तो अभी ऋषि श्रृंग जी पधारे अयोध्या में और उन्होंने ये यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, और उस यज्ञ द्वारा एक विशेष व्यक्ति प्रकट हुए जिनके हाथ में पायस का एक कमंडलू था। पायस बोले तो एक दिव्य रस, खीर जैसा, और उस दिव्य व्यक्ति ने कहा कि अगर आपके पत्नियों ने इस पायस को स्वीकारा तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो उस वक्त दशरथ जी की 3 पत्नियां थी जिन्होंने इस पायस को स्वीकार किया। दशरथ जी की कई पत्नियां थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनमें से 3 मुखियाओं ने इस पायस को स्वीकार किया। कहते हैं कि कौशल्या जी, उनकी जो पटरानी थी, उन्होंने उस पायस के आधे भाग को स्वीकार किया। पूरा जो पायस था उसका आधा कौशल्या जी ने पी लिया, फिर जो बचा था उसमें से आधा यानी कि 1/4 को सुमित्रा जी ने पी लिया, फिर उसमें से जो बचा उसको उसके आधे को कैकेयी जी ने पी लिया, मतलब 1/28 जो कहते हैं। अभी फिर से थोड़ा सा बचता है ना, एक पूरा था उसका आधा गया, फिर आधे का आधा गया और उस आधे का आधा गया, तो और 1/28 बचता है, 1/8, तो उसको किसको दिया जाए, फिर से सुमित्रा जी को दिया और फिर इनके 4 संतान प्राप्त हुए। अब ऐसा क्यों हुआ 2 मिनट में हमको पता चले। ऐसे 12 महीनों बाद इन 3 रानियों को 4 बच्चे उत्पन्न हुए। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। पहले दिन कौशल्या जी को इस चैत्र मास के नवमी तिथि में, शुक्ल नवमी में, 1 संतान की प्राप्ति हुई और उस दिन को श्री राम नवमी से आज भी दुनिया में मनाया जाता है। कहते हैं बहुत अच्छे ग्रह के स्थान थे उस दिन जब इस बच्चे का उत्पन्न हुआ। नक्षत्रे तिथि दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह। जो नक्षत्र था वो पुनर्वसु नक्षत्र था, जो राम जी का नक्षत्र माना जाता है, और उस दिन सूर्य, अंगारक, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह उच्च स्थान पे थे,
ऐसा कहते हैं कि ये पांच ग्रह जब उच्च स्थान पे होते हैं तो जब कोई पैदा होता है उसमें तो वो जगत जगत का नाथ हो जाता है, पूरे जग का स्वामी बन जाता है। इसीलिए उस वक्त जगन्नाथ प्रकट हुए बोलते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुतम। ऐसा अवतार हुआ श्री राम जी का। अगले दिन कैकेयी जी द्वारा भरत जी का अवतार हुआ, फिर अगले दिन लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ सुमित्रा जी द्वारा। अब ये समझना चाहिए कि सुमित्रा जी ने एक बार कौशल्या जी का जो शेष प्रसाद था वो पी लिया था, तो उनका एक पुत्र जो लक्ष्मण था वो राम जी का दास हो गया, और एक बार कैकेयी जी का जो शेष प्रसाद था उसको पी लिया, इसलिए सुमित्रा जी का दूसरा पुत्र शत्रुघ्न कैकेयी जी के पुत्र भरत का दास हो गया। इसलिए इस तरह से रचाया गया कि पायस को इस तरह से पिया जाए। तो ये चार भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए इन शुभ तिथियों में, और फिर बढ़ने लगे सारे राजकुमार। कहते हैं कि ये राजकुमार जब पैदा हुए तो कितने खुश हुए दशरथ जी, दान किया उन्होंने। कहा जाता है शास्त्रों में कि जब पुत्र का जन्म होता है तो सभी ने दान करना चाहिए, जो यथाशक्ति दान करना चाहिए, अपने अपने उस सुख को बांटना चाहिए लोगों के साथ, और देवताओं को धन्यवाद भी कहना चाहिए कि उन्होंने ऐसी पुत्र की प्राप्ति दी। तो कहते हैं कि दशरथ जी तो इतने बड़े चक्रवर्ती थे तो उन्होंने किस तरह का दान किया। तुलसीदास जी बोलते हैं दशरथ जी ने ऐसा दान किया कि उनको बहुत दान करने का आवश्यकता चला गया। मतलब है कि दशरथ जी किसी को दान देते थे, कुछ रुपये दान में देते थे, वो इतना होता था कि उस आदमी के पास बहुत सारा रुपया बच जाता था अपने खर्च के बावजूद, और वो खुद बचा हुआ धन दान करने लग जाता था। तो कितना कितने उदारता के साथ दशरथ जी ने ऐसा दान दिया होगा। सर्वस दान दीन सब काहू जे ही पावा राखा नहीं ताहू। जितना धन पाया वो अपने पास रख नहीं पाया। अब मन में लालच तो लोगों को होता है, तो उस लालच को पूरा करने के बाद भी अगर किसी के पास धन बचता है तो कितना दिया होगा दशरथ जी ऐसा। और फिर सिर्फ दशरथ जी ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी इतनी खुश हो गई कि उन्होंने आपस में कुमकुम और चंदन बांटा अपने इस खुशी को बांटने के लिए। कहते हैं कि मंगल द्रव्य बांटना चाहिए अगर खुशी बांटना है तो पूरा अयोध्या जो है वो ये कुमकुम और चंदन के कीचड़ से भर गया। इतना लोग बांट रहे थे और इतना वो गिरने लगा कि उसका समझो कीचड़ ही हो गया, और ऐसा कीचड़ बहुत अच्छा होता है, उसमें रहना भी अच्छा ही होता है। चंदन और कुमकुम हम सोच सकते हैं कितना सुगंधमयी हो सकता था वो। मुगमद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा, ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से पूरी अयोध्या नगरी ने खुशियां मनाई राम जी के प्रकट होने की। और कहते हैं कि जो सूर्य कुल जो था उसका समझो दिवाकर आ गया, दिनकर कुल कमल दिवाकर, ऐसे कहते हैं स्वामी श्री वेदांत देशिक। ये सूर्य कुल जो है उसको दिनकर कुल बोलते हैं, दिनकर मतलब सूर्य, और इस दिनकर कुल का दिवाकर पैदा हो गया। मतलब क्या, दिवाकर मतलब भी सूर्य और दिनकर मतलब भी सूर्य। अब हम हिंदी में इसको समझने की प्रयास करें तो ऐसा अर्थ व्यतीत होता है कि हर दिन को उजाला देने वाला दिनकर सूर्य होता है, लेकिन अगर वही उजाला देने वाला एक दिन अलग प्रकाश से दिखाई देने लगे तो वो दिवाकर बन जाता है। तो इस सूर्य कुल का सूर्य बन गए राम जी, दिनकर कुल कमल दिवाकर, ऐसे कहते हैं। और फिर ये जो बच्चा राम था वो चलने लगा, इतना अच्छे से चलने लगा कि वो जैसे चलता था उसको देखने के लिए दशरथ जी उसको चलाते थे। वो कुलशेखर आलवार बोल के द्रामिण देश में एक भक्त रहते थे जिनका बहुत राम जी से लगाव था। उन्होंने लिखा है कि दशरथ जी बस ऐसा कहते थे, वा पोग वा ऐसे बोलते, मतलब राम आओ ऐसे कहते थे। तो वो ठुमुक ठुमुक चलकर आ जाता था। फिर उसका जो सुंदर दृश्य सामने का है, जो चल के आने वाला दृश्य,
वो पूरा देखकर उसका आनंद लेते थे दशरथ जी। फिर वो पास में आ जाता, वो कहते चलो भाग जाओ अभी, वापस जाता था वो। तो पीछे से जो दृश्य दिखाई देती थी, जो पीछे का सौंदर्य बोलते हैं, उसका दर्शन करते थे। लेकिन जी कहाँ भरता है भगवान का दर्शन करके, फिर से बोलते थे आ जाओ आओ जाओ करके, ऐसे भगवान के चाल का आनंद उठाते थे दशरथ जी। और कौशल्या देवी उनके भाग्य तो क्या कहें उसका। कौशल्या देवी राम जी को बुलाने के लिए जाती थी और उनको दुध्योदन मतलब दही भात खिलाने के लिए जाती थी, तो वे आते नहीं थे, भाग जाते थे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलती पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। अब ये भगवान जो भाग रहे हैं कौशल्या से, वो कौन से भगवान है? वो भगवान जिनका अंत शिवजी ने भी नहीं पाया था। वो तो सामने से भाग रहा है और ये उनको पकड़ने के लिए जा रही है और पकड़ भी पाती है। शिवजी उनका अंत नहीं जान पाए, लेकिन ये जननी, क्योंकि वो जननी थी, उनके हाथ में वो आ गए, भगवान आ गए। स्वामी वेदांत जी कहते हैं कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकारा। इस कौशल्या देवी का कुमार होने के लिए भगवान राम ने अवतार लिए, क्योंकि ये कौशल्या देवी जो थी वो साधारण सी औरत नहीं थी। उनका मन इतना धर्म में लगा हुआ था कि भगवान ने खुद चाहा कि वे उनके पेट में जाकर वास करके बाद में जन्म ले। ऐसा कहते हैं कुलशेखर भगवान कि मन पुगड़ कोसलई तन मणि वैर वाहितवन। भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान कभी चाहते हैं कि किसी औरत के कोख को वो सुख दे दे। गए थे वे कौशल्या जी के कोख में, ऐसे ही कहते हैं आड़कर। फिर से गए थे वे उत्तरा के कोख में अपने भक्त परीक्षित को बचाने के लिए। जाते हैं ऐसे भगवान कृपा करने के लिए। गर्भवास नहीं होता उनका, लेकिन उनके चरण स्पर्श से उस औरत का कोख जो है वो सौभाग्यवान सौभाग्यवती हो उठता है। तो इस तरह से कौशल्या जी ने भगवान राम को कुमार के रूप में पाया। कुमार जो होता है वो पुत्र होता है जो बोलते हैं वो सुनता है। अब बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बच्चे सुनते हैं कुछ बच्चे नहीं सुनते। ऐसा कहा जाता है संस्कृत में कि कुमार शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो बस बात सुनने वाले पुत्र के बारे में बताया जाता है। तो राम जी ऐसे थे जो हर बात सुनते थे अपने माता पिता की। तो इस तरह का पुत्र कौशल्या जी ने पाया और ऐसा महान पुत्र जब बढ़ता गया और अपने बाल अवस्था में पहुंच गया, तो एक घटना ऐसी घटी कि दशरथ जी थोड़े हिल गए। एक महान व्यक्ति आ पहुंचे अयोध्या के राजसभा में और वे और कोई नहीं बल्कि भगवान विश्वामित्र थे, महर्षि विश्वामित्र थे। और विश्वामित्र जी के आते आते दशरथ जी बड़े खुश हो गए, इतने महान ऋषि आ रहे हैं हमारे दरबार में, पता नहीं किसके लिए आ रहे हैं, जो भी उनका मनोरथ होगा हमें पूरा करना चाहिए। ऐसे ही स्वभाव के थे दशरथ जी कि हमेशा जो भी उनके पास आता था उनका दिल भर के ही भेजना उनको अच्छा लगता था, और ऊपर से इस ऋषि के प्रति बड़ा आदर भी था उनको। तो आते आते उन्होंने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लवाऊ बारा। आप किसके लिए आए हैं बताइए, मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा आपके मनोरथ पूरा करने में। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर दशरथ जी ने बोल दिया। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? क्योंकि बोल दिया तो फिर वचन निभाना पड़ता है। बोल तो दिया इन्होंने, मांगा क्या आते आते ऋषि ने ऐसा देखा जाए। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पुत्र राम को मैं वन में ले जाना चाहता हूँ ताकि राक्षसों का वध करने में वो हमारी मदद करे। हमारे यहाँ याग यज्ञ चल रहे हैं और जैसे याग यज्ञ खत्म होने को आते हैं वैसे राक्षस पहुँच जाते और बहुत हानि करके चले जाते हैं, हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पाता। तो बचाव के लिए मैं तुम्हारे पुत्र राम को लेने आया, ऐसे बोलते हैं। बस दशरथ जी का दिल बैठ जाता है, कहते हैं ऊन षोड़श वर्षो में रामो राजीव लोचना। मेरा जो बच्चा है राम 16 साल का भी नहीं हुआ, छोटा बच्चा है अभी,
उसके कमल जैसे नयन है। क्यों कह रहे हैं कमल जैसे नयन है, तो महर्षि को क्या हुआ उससे, क्यों बोल रहे हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि ये रात को जागता नहीं है, जैसे कि कमल फूल रात में अपना पंखुड़ियाँ नहीं खोलता, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है मेरे राम के कमल जैसे नयन बंद हो जाते हैं। और राक्षस जो है वे निशाचर होते हैं, रात में घूमते हैं, कहाँ वो जाग कर झगड़ा करेगा, वो तो आँख भी नहीं खोल सकता रात में, फायदा नहीं है उसको लेके जाके, छोड़ दो, आपको चाहिए तो मैं अपना पूरा अक्षौहिणी सैन्य भेजता हूँ आपके साथ, नहीं तो मैं खुद आता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं मैं छोड़ सकता आपके पास। विश्वामित्र जी थोड़े चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि ये कैसी प्रथा हुई, आप तो सूर्यवंश के हैं, कहते हैं कि आप वचन के सत्य हैं, और अभी अभी आपने कहा कहू सो करत न लवाऊ बारा, एक क्षण में कर दूंगा जो आपको चाहिए वो, तो ऐसे कैसे आप अपने वचन के पीछे हट सकते हो। फिर वहाँ पे वशिष्ठ भगवान पहुँच जाते हैं जो कि दशरथ जी के कुल पुरोहित हैं, और कहते हैं कि भाई इसको भेज दो, क्योंकि ये जो ऋषि आए हैं इसके कल्याण के लिए आए हैं, राम जी का कल्याण करने के लिए वो ले जा रहे, तुम भेजो। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम विजयी होकर लौटेगा या फिर राक्षसों से डरने का जरूरत नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि राम के भलाई के लिए राम को उनके साथ भेज दो। तो जैसे ही राम जी ये सब सुन रहे हैं और वे बड़े उत्सुक थे विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाने के लिए, उनके मन में बड़ी उत्साह थी, कहते हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा के बिना कुछ करने की आदत नहीं थी राम जी को, तो ठहरे थे। जैसे ही पिताजी की रजामंदी उनको उनके चेहरे पे नजर आई तो बड़े बड़े स्मित के साथ वे पिताजी की ओर देखने लगे और आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े कहते कि पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी आगे बढ़े। लक्ष्मण जी को पूछा तुम कहाँ चल रहे हो, जहाँ राम जी चलते वहाँ पीछे मैं उनसे अलग हूँ क्या कि मुझे अलग से कुछ बताया जाए, वे गए तो मैं भी साथ में जाऊँगा। तो विश्वामित्र जी से जी कहते हैं बढ़िया है चलो दोनों चलते हैं, और तीनों मिलकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं, विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी तीनों मिलकर जाते हैं। कहते हैं कि रामायण में वन में जैसे जैसे संचार किया राम जी ने उससे वे हमें बहुत सारी बातें बताते, अभी इधर विश्वामित्र जी के साथ जब संचार किया तब राम जी बीच में थे, विश्वामित्र जी आगे लक्ष्मण जी पीछे, राम जी कौन है, भगवान नारायण, और ये विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी सभी लोग जीव होते हैं, तो ये परमात्मा राम बीच में है और जीवात्मा बाजू में है, मतलब क्या है, सारे जीवों के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं, ये बताना था उन्होंने। अब जब फिर से वन में प्रस्थान करेंगे सीता जी के साथ तो और एक तात्पर्य बताया जाएगा, वो तब देखते हैं। तो इस तरह से वन में चलते चलते जा रहे थे तो विश्वामित्र जी ने इनको कहा कि बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुख से वन में रहो, अभी तुम लोग राजकुमार हो तो तुम्हें अच्छे खान पान की आदत है, अच्छे नींद की आदत है, तो वो सब खराब नहीं होना चाहिए, तो मैं तुम लोगों को ऐसा एक मंत्र दूंगा कि उसका जप करते करते आपको ना भूख लगेगी ना नींद आएगी ना आपको कोई श्रम महसूस होगा ना आपके शरीर को कोई थकान। तंत्र ग्राणम ग्रहाण त्वं बलाम अति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमात्तं वा घर्षयिष्यन्ति नैवृताः। ये दो मंत्र जो है बला और अति बला, इसका अगर आप उच्चारण करते रहेंगे तो आपको थकान भी नहीं होगा और भूख भी नहीं लगेगी, और बस कितना आसान है ना, अगर आज होता तो कितना काम आता, लेकिन वो सिर्फ विश्वामित्र जैसे महान उपदेश कर सकते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी जैसे शिष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा बला और अति बला मंत्र का उपदेश लेकर ये बच्चे उस रात को सो जाते हैं राम और लक्ष्मण, और फिर सुबह जब उठाया जाता है राम जी को तो विश्वामित्र जी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं जो कि हर वैष्णव मंदिर में हर सुबह आज भी बोला जाता है, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्विकम्। उन्होंने कैसे उठाया राम जी को, कौसल्या सुप्रजा रामा, क्योंकि कौसल्या देवी का पुत्र राम ऐसा बुलाने से
राम जी को ऐसा लगता कि कौशल्या जी खुद बुला रही है, उनको उठा रही है। तो उस मातृवात्सल्य से विश्वामित्र जी ने ख्याल रखा इन राजपुत्रों का। उस भक्त की यह भावना उसमें सामने आती है। विश्वामित्र जी को बहुत लगाव था राम जी से, और हर विश्वामित्र जी के हर बर्ताव से ये व्यतीत होता है कि उनको कितना स्नेह था। इधर माता की तरह वे स्नेह दिखा रहे, आगे जाके आचार्य की तरह स्नेह दिखाएंगे, फिर पिता की तरह स्नेह दिखाएंगे, देखते हैं कैसा कैसा स्नेह दिखाते हैं। तो इधर माता बन गए विश्वामित्र जी इनके। फिर वन में उन्होंने फिर से चलना शुरू किया तो उनको भयानक एक दृश्य दिखाई दिया। एक राक्षसी सामने आई ताटका नाम की। विश्वामित्र जी ने कहा, ये जो ताटका है ये सुकेतु नाम के यक्ष की पुत्री है, जिसने सुंद नाम के यक्ष से शादी किया और किसी शाप की वजह से वो राक्षसी में बदल गई। और इसमें इतना बल है कि 1000 हाथी अगर सामने आए एक साथ तो भी वो उसका सामना कर सकती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, अब तुम्हें इसका वध करना। राम जी थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, पहला मैं एक युद्ध में जा रहा हूँ और सामने स्त्री खड़ी है और आप कह रहे हैं कि मैं इसका वध करूं। मैंने सुना है शास्त्रों में कि स्त्री का वध करना सही नहीं होता। ऐसा राम जी ने नहीं कहा। राम जी ऐसा कहते क्या, कल ही हमने कहा कि अगर आचार्य से कुछ पूछना है तो ये ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि मुझे लगता है ये गलत है, क्या ऐसा नहीं पूछना चाहिए। उनसे बहुत भव्य होकर एकदम लीडिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए उनको। तो राम जी ने ऐसा ही कहा कि ये स्त्री है तो स्त्री का वध करना उचित होगा या नहीं, इतना ही पूछा उन्होंने। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, तुम जिस पदवी में हो उसमें तुम्हें वही करना चाहिए जो राज्य के हित में है। तुम राजा हो, राजपुत्र हो, तो अगर राज्य के हित में किसी का वध करना पड़े तो वो सही ही होता है, और कहीं भी अधर्म का नाश करना धर्म ही होता है। और ये जो राक्षसी है वो बड़ी अधर्मिणी है, तो उसका वध करना तो सही होगा। राज्य भार नियुक्ता नाम एष धर्म सनातन अधर्म्यां जहिका कुत्स्थ धर्मो ह्यस्याम न विद्यते, ऐसा कह के उन्होंने समझाया। और अपने इस बात को अच्छी तरह से दिल में बिठाने के लिए उन्होंने दो उदाहरण भी दी। कहा कि ऐसा हुआ है पहले कि स्त्री का वध किसी पुरुष ने किया है। कहते हैं कि विरोचन नाम के राक्षस की एक बेटी थी मंत्रा, जिसने भूमि का नाश करने का प्रयास किया, तो उस वक्त इंद्र ने उसका संहार किया था। बिल्कुल इसी तरह भृगु मुनि की पत्नी ख्याति देवी ने इंद्र को मारने की कोशिश की तो तब विष्णु जी को ही उनका वध करना पड़ा। तो ऐसा हुआ है पहले कि किसी पुरुष ने किसी स्त्री का किसी हित के लिए वध किया है, तो आगे बढ़ो और उसको खत्म कर दो, ऐसा कहा। तो राम जी को तो ये बच्चों का खेल था, ऐसा कहते हैं। कौमार केली गोपाई कौशिका द्वारा, ऐसे कहते हैं। ये जो विश्वामित्र जी का याग संरक्षण का पूरा काम था वही बाल लीला थी राम जी के लिए, ऐसा कहा जाता है। बड़े ही आसानी से उन्होंने ताटका का वध कर दिया। तन तर विशिक विताड़न विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेया, ऐसे कहते हैं। तनु तर छोटे छोटे बाण से उन्होंने खत्म कर दिया ताटका को। तेज थे लेकिन भी बाण, छोटे थे तेज थे, बड़े आसानी से बाल लीला की तरह उन्होंने इस काम को पूरा किया। फिर आगे बढ़े तो मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब इस याग का आपको संरक्षण करना है। ये यज्ञ जो है वो आज शुरू हुआ है और आज से सातवां दिन खत्म होगा, तो 7 दिनों के लिए यज्ञ का संरक्षण करो, ऐसा कह दिया। अब ये राक्षस लोग जो थे वे इतने बुरे स्वभाव के थे कि उनको यज्ञ का पूरा करने तक वे प्रतीक्षा करते थे और अंत में जाके उस यज्ञ का विध्वंस करते थे, ताकि इन ऋषि मुनियों का सारा जो कर्म था, सारी जो शक्ति थी, वो सब उसमें इस्तेमाल किया जाए और फिर उसका नाश हो जाए। अगर शुरू शुरू में कर देते तो फिर भी मन करता है ना कि पहले से शुरू करके फिर से याद करें, लेकिन अगर अंत में खत्म हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग हमेशा ऐसा ही करते थे। 7 दिन का यज्ञ होता तो 7वें दिन पे आके
विध्वंस करते थे यज्ञ का। तो ऐसा ही हुआ कहते हैं कि ये जो राजपुत्र थे उन्होंने 6 दिन बिना सोए उस यज्ञ का संरक्षण किया। बिना सोए यज्ञ का संरक्षण वे कर रहे थे और 7वां दिन जब आया तब ये ताटका के 2 पुत्र सुबाहु और मारीच उधर घटों में कलशों में रक्त भरे हुए पहुंच गए यज्ञ पे बरसाने के लिए। जैसे ही इस दृश्य को देखा राम जी ने तो कहते हैं कि उन्होंने एक बाण का छत बनाया। अभी छत जो बनता है उसमें अगर थोड़ा सा छेद हो जाए तो उससे लीकेज होता है। बाण से छत कोई बना सकता है क्या? उससे कुछ लिक्विड नीचे नहीं आ सकता क्या? कितना आसानी से आ सकता था, लेकिन राम जी ने ऐसा बाण का छत बिछाया कि एक बूंद रक्त भी उस छत से गिर नहीं पाया। इस तरह के योद्धा और इस तरह के वीर थे राम जी। तो ऐसा बाण का छत उन्होंने बनाया और इस यज्ञ का संरक्षण किया। फिर वो राक्षस लोग बहुत भड़क गए, पहले से ही भड़के हुए थे कि माता का संहार हो गया, और युद्ध के लिए आ गए। राम और लक्ष्मण ने युद्ध किया दोनों के साथ और सुबाहु जो था उसको उसका वध कर दिया। दूसरा पुत्र जो मारीच था उसको बख्श दिया और क्या किया कि एक बाण के द्वारा 100 योजनाएं दूर समुद्र में जाके फेंक दिया उसको। अब क्यों फेंका ऐसे? जरूरत थी क्या? मारीच को भी खत्म करना था उसी वक्त। बड़ी बात थी क्या राम जी के लिए? कर सकते थे लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आशुकवि जी कहते हैं इसलिए नहीं किया क्योंकि एक कल्पक वृक्ष देना था भगवान को इस दुनिया के लिए। अब ये कल्पक वृक्ष जो बोलते हैं वो क्या होता है? वो वृक्ष होता है जो किसी भी तरह का फल किसी को प्रदान कर सकता है। कहते हैं कि कल्पक वृक्ष के नीचे अगर कोई बैठ के कुछ सोचेगा तो तुरंत वो प्रकट हो जाता है। किसी ने सोचा कि मुझे अब इसी वक्त अच्छा खाना चाहिए तो उसके सामने अच्छा खाना प्रकट हो जाए। किसी ने चाहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो बच्चा प्रकट हो जाए। ऐसा होता है कल्पक वृक्ष का जो शक्ति होता है। तो ये कल्पक वृक्ष जो होता है जो है वो कहाँ से प्रकट हुआ था? पहली बार वो क्षीर समुद्र से प्रकट हुआ था। मतलब कि समुद्र से कल्पक वृक्ष प्रकट होता है और वृक्ष जो है वो बीज से प्रकट होता है, बराबर। तो बीज से वृक्ष आता है और समुद्र से कल्पक वृक्ष आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी ये मारीच के कथा को आशुकवि जी ने इसमें जोड़ दिया और एक सुंदर श्लोक बनाया। कहते हैं कि ये जो मारीच है वो एक बीज की तरह बोया गया समुद्र में ताकि उससे रामायण नाम का कल्पक वृक्ष बाहर प्रकट हो जाए। रामायण कथा आ ही नहीं सकती थी अगर मारीच बख्श नहीं जाता तो, क्योंकि आगे चलकर यही मारीच सीता के हरण का कारण बनने वाला है और वही तो रामायण कथा है। तो रामायण कथा कहाँ से पहुंचती अगर मारीच समुद्र में नहीं पहुंचता? तो मारीच नाम के बीज को समुद्र में बोया और उससे रामायण नाम का कल्पक वृक्ष पैदा हुआ। और रामायण को कल्पक वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामायण कथा हर एक को अपनी मनोरथ पूरी करके देता है। कहा गया है कि ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि रामायण के हर सर्ग का फलश्रुति होता है और एक एक तरह से उसका पठन करने से, मतलब कि भगवान का एक तरह से ध्यान करके एक प्रसाद चढ़ा के इतनी बार किसी सर्ग का पठन किया तो उसमें एक फल मिलता है। जैसे कि रामावतार सर्ग का पठन करने से संतान प्राप्ति होती है, सीता के विवाह का के सर्ग का पठन करने से विवाह हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे फलश्रुति बोले गए हैं हर सर्ग का है और ये सत्य है कि हमेशा होता है। इस तरह से रामायण में हर तरह के फल प्राप्ति का संभावना है, प्राप्ति की संभावना है, तो उसको कल्पक वृक्ष कहा जाता है। और इस कल्पक वृक्ष का बीज था मारीच। इसको एक सुंदर श्लोक में श्रीनिधि स्वामी ने कहा है, कथाम निजाम कल्पलताम जनानाम विस्तारयन्येष रघुप्रवीरः मारीचमेनम किल बीजमस्याः संवापयामास समुद्र मध्ये। तो इस तरह से मारीच नाम के बीज को बोकर रामायण कथा तो हमें मिल गया, लेकिन बाद में हुआ क्या?
इन बच्चों का क्या हुआ जो विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे? कहते हैं कि विश्वामित्र जी तो खुश हो गए इनसे, उनका काम तो हो गया। काम हो गया मतलब क्या? जो याग संरक्षण के लिए लाए थे, जो बोल कर लाए थे, वो काम हो गया। लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ बोल के भेजा है कि इनका कल्याण होने वाला, तो वो कल्याण होना अभी बाकी था। कल्याण को हम लोग कल्याणम बोलते हैं तमिल, कल्याण मतलब शादी। तो कल्याण, शादी में कल्याण भी होता है, लोगों का मंगल भी होता है, तो वो होना था। इसलिए आगे बढ़े वन में, वापस अयोध्या नहीं गए। तो चलते चलते गए तो सफ़र का थकान दूर करने के लिए, थकान तो नहीं होता है, सफ़र में अच्छा समय बिताने के लिए कथाएं सुनाने लगे विश्वामित्र जी। अलग अलग विविध कथाएं सुनाने लगे और एक कथा उन्होंने सुनाई एक आश्रम के सामने। कहा कि ये जो आश्रम तुमको दिख रहा है वो एक ज़माने में बहुत सुंदर हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, और उधर एक ऋषि और उनकी पत्नी रहा करते थे, जो गौतम ऋषि थे और उनकी पत्नी अहल्या देवी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण अहल्या देवी एक शाप के चंगुल में आ गई और वे अभी देवी नहीं बल्कि शिला रूप में है, और उस शिला का आपको उद्धारण करना है, ऐसा कहा राम जी से। राम जी ने देखा कि ये जो शिला है उसको क्या करूं मैं, शिला का शाप कैसे कैसे मुक्त करने का। तो कहते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि पहले राम जी ने देखा उस शिला को, राम जी का कटाक्ष गिरा उस शिला पे, और कटाक्ष गिरने से क्या हुआ, उनका पाप चला गया। दर्शन मात्रेण अहल्याम अपापम चकार, देखते उनका चला गया, और पाप जो था वही कारण था शाप का। पाप मिट गया तो पीछे पीछे शाप भी मिट जाता। देखने के बाद स्पर्श किया राम जी ने अपने चरणों से, उस चरण का धूल पड़ने से वो शिला एक स्त्री में बदल गया। इसके बाद हुआ क्या, ये बात जानने लायक है। इनके चरण स्पर्श से जो स्त्री पैदा हुई, उनके चरणों में वे ही मनुष्य ने नमस्कार किया। मनुष्य ने नमस्कार किया ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि राम जी उधर जताना चाहते थे कि वे मनुष्य थे और ये जो है ये ऋषि पत्नी है, आदरणीय है, तो मैं उनका नमस्कार करूं। उस वक्त के लिए उनको ये याद नहीं आया कि मैंने इनका उद्धार किया, ऐसा याद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि किसी का अगर हमने भला किया हो तो उसे ना जताना चाहिए ना याद रखना चाहिए, किसी का हमने बुरा किया हो तो अवश्य याद रखना चाहिए ताकि वापस वो बुराई हमसे ना हो। किसी का अच्छा ही किया तो उसको भूल जाना चाहिए, नहीं तो चढ़ जाता। तो नस्मरत्यपकाराणाम कथमित्यात्मवत्तया कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। अगर किसी ने हमारा भला किया, एक भी भला किया, तो उसको याद करो। किसी ने 100 हमारा बुरा किया तो उसको भूल जाओ। हमने किसी का एक बुरा किया तो उसको याद रखो, हमने किसी का कितना अच्छा किया है वो भी याद मत रखो, एक भी याद मत रखो, ऐसे कहते। तो इसका, इस धर्म पालन का राम जी ने हमें शिक्षा दी अहल्या के शाप विमोचन द्वारा। और कहते हैं कि अहल्या शाप विमोचन जो हुआ वो मिथिला नगरी के द्वार पे हुआ। मिथिला नगरी के बहुत समीप अहल्या जी का आश्रम था और उधर उनका शाप विमोचन हुआ। फिर इन लोगों ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि अब तुम्हें भूसूक्त का स्मरण करना चाहिए। भूसूक्त जो है, जो वेदों में भूमि देवी के बारे में जो मंत्र है उनको याद करो, ऐसे कहा। और क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ये भूमि देवी के बेटी से अभी इनकी शादी होने वाली है थोड़ी ही देर में। भूमि देवी की बेटी सीता देवी थी, तो पहले अपने सासू माँ को खुश करो, ऐसा शायद वे जताना चाहते थे। तो इस भूसूक्त का कैसे राम जी ने स्मरण किया, इसके बारे में भूसूक्त के ही शब्दों को लेकर आशुकवि स्वामी ने एक श्लोक रचाया है। अभी किसी को अगर भूसूक्त आता होगा बोलने के लिए तो उसके लिए बहुत रसमयी हो सकता है। यहाँ पे पुरुष लोग बैठे हैं, वे लोग अच्छे से समझ जाएंगे। भूसूक्त के जो शब्द हैं
वे इस श्लोक में बसे हुए हैं। धनुर्धरेयम् मिथिलाधिनाथ धरेति सर्वं किलवन् नहेमी प्रचोदयात् यत्र समीहिते चेत् तत्सर्व सिद्ध्यै नहि संशयोत्र। प्रचोदयात् सर्व सिद्धि धनुर्धरा सब आता है भूसूक्त में। अभी कहने की हमें योग्यता नहीं है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सारे शब्दों को ही लेकर ये बताया गया है इस श्लोक में कि राम जी ने भूसूक्त का अनुसंधान किया था। तो पहुंच गए ये मिथिला नगरी के अंदर। जैसे पहुंचे वैसे ही मिथिला के राजा जनक जी इनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और वे शतानंद जी को साथ लेके आए। शतानंद जी जो थे वे मिथिला के राजपुरोहित थे और अहल्या जी के बेटे थे। तो अभी अभी उनके माता का शाप विमोचन हुआ तो उनके मन में कृतज्ञता भरी हुई थी। बहुत ही आदर से उन्होंने स्वागत किया राम जी का। लोगों ने सुना, मिथिला के लोगों ने ये सुना कि विश्वामित्र महर्षि आए हुए हैं, उनका आगमन हुआ है मिथिला में, तो उनका दर्शन करना चाहिए। और मिथिला के लोगों को अपने राजा से भी बहुत लगाव था, बहुत आदर करते थे जनक जी का, क्योंकि जनक जी तो जो थे वे भी खुद एक ऋषि जैसे ही थे, राज ऋषि से के नाम से जाने जाते थे। इतने वे दुनियादारी से दूर थे, उनका मन सिर्फ धर्म में था, तो लोगों का बहुत आदर था, राज ऋषि के नाम से जाने जाते थे। और ये जो विश्वामित्र जी आने वाले थे वो तो ब्रह्म ऋषि थे, तो ये ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि का मिलन होने वाला है अभी, तो ऐसा दृश्य तो देखने लायक है। तो सारे लोग जम गए ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि के मिलन को देखने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा क्या, ऐसा दृश्य देखा जिसमें साक्षात ब्रह्म एक राजा के रूप में आ गया। ब्रह्म परब्रह्म राम राजा के रूप में पहुंच गया, तो ना उनको ब्रह्म ऋषि दिखे ना राज ऋषि, बल्कि ब्रह्म राजा जो हुआ वही राम दिखा। क्योंकि राम का रूप अगर सामने हो तो बाकी कुछ दिखता नहीं। इसको भी एक सुंदर श्लोक के रूप में श्रीनिधि स्वामी ने रचाया हुआ है। ब्रह्म ऋषि राज ऋषि समागमं तम समागतो द्रष्टुमपीह लोकः न शशाक दृष्टिं पतितां विदर्तुं ब्रह्मण्यहो राजनि तत्र रामे। सभी ने उस ब्रह्म जो राजा बनकर आया था उस राम को देखा और बस देखते रह गए। उसके बाद कहते हैं कि मिथिला नगरी में जो लड़कियां थी, जो युवतियां थी, उन्होंने देखा राम जी को और उनके आंखों के लिए वे एक चकोर पक्षी की तरह, चंद्रमा की तरह थे। मतलब कि चकोर पक्षी जो होता है उसके लिए जीवन ही चंद्रमा होता है, चंद्रमा को देखते देखते उसका पेट भर जाता है। तो कहते हैं कि मिथिला नगरी की जो युवतियां थी उनका दिल भर गया इस राम को देखकर। मिथिल नगर सुलोचना लोचन चकोर चंद्रा, ऐसे कहते हैं। क्यों ऐसा दिल भर गया, राम जी तो थे बहुत सुंदर थे, लेकिन उनके सुंदरता को देखकर इन लड़कियों का दिल भरा, ऐसा समझना नहीं चाहिए उसको। इन लड़कियों को बहुत दिल में डर बैठ गया था कि ये जो सीता थी उसके लिए अच्छा वर मिलेगा क्या, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इसके लायक कोई हो भी सकता है क्या इस दुनिया में, ऐसे सोच सोच के चिंता में लगे हुए थे सीता की सारी सहेलियां। अब राम जी को देखकर उनको भरोसा हो गया कि ठीक है, यही ठीक होगा हमारी सीता के लिए, और इसलिए उनका दिल भर गया जैसे कि चकोर पक्षी का भरता है चंद्रमा को देखकर। अब इसी के साथ मिथिला में राम जी के प्रवेश के साथ हम आज का प्रवचन पूरा करते हैं और कल आगे रामायण कथा में अनुभव देखते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मंगलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणाक्तये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलं। मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम्।